हटिए। तो भैया हिसाब तो पूरा होगा, चुन चुन कर पूरा होगा। तो डॉक्टर साहब कैसा लगा आपको हमारा भौकाल? ओ चंपा दीदी, जहां तक हमें याद आ रहा है वो आप ही थी ना जिन्होंने बार बार हमारा सामान बाहर फेंका। का है ना, टेम बदल गया है और हम भी। तो हम का कह रहे हैं ना, आप जरा प्यार से सम्मान के साथ हमारा सारा सामान उठाइए और हमारे कमरे में रख दीजिए, ठीक है? अरे वहां का देख रही है, ऑर्डर यहां से आया है, सुनेंगी नहीं तो घर से बाहर निकलवा देंगे, बूझे? हमारा हिसाब पूरा नहीं हो जाता ना, इस घर की बहुरानी हम हैं। ताकत और फैसले लेने का हक दोनों है हमारे पास। तो अगर आप कोतवाल के डंडे नहीं खाना चाहती ना, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कीजिए, नहीं तो पूरी जिंदगी जेल के काल कोठरी में बितानी पड़ जाएगी। मुझे अब चलिए भागिए। अरे रुकिए रुकिए जी बहुरानी, अब क्या हुआ? हमारे लिए कुछ खाने के लिए बना दीजिए, वो भी बढ़िया सा, काहे कि भूख उबाल मार रहा है पेट में, ठीक है? जी जाइए। अरे बिरजू तू भी हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जा, आराम से बैठकर खाएंगे, ठीक है? पेट पूजा करेंगे। अरे जो हुकुम बहुरानी, बस अभी गए अभी आए। अरे आप सब ऐसे खड़े खड़े काहे देख रहे हैं, हम का अकेले खाएंगे का? आप सब भी चलिए साथ में बैठकर खाएंगे, ठीक है? ये कौन सा रूप धारण कर लिया इसने रानी सा? क्या जरूरत थी वीर उसकी शर्तें मानने की, पहले ही इतना कुछ दे चुके हैं उसे और अब बेशरम की तरह मुंह खोलकर मांग रही है। तुम चिंता मत करो, गोवा में भी हमारे कॉन्टैक्ट्स निकल जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इसे हम। आप रहने दीजिए रानी साहब, मैं इसे और बड़ा इशू नहीं बनाना चाहता। अगर उन्हें हमेशा से ही पैसे चाहिए थे तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बाद रानी यहां से और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।